हेलो दोस्तों, मैं हूं नील और आप देख रहे हैं राहुल कम्युनिकेशन। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों ये बेल घंटा भी साथ में मिला दें क्योंकि ये बेल घंटा इसलिए है जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं राहुल कम्युनिकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो आधार कार्ड में मिनी लोन मिल रहा है वो कैसे मिलेगा और उसके लिए क्या क्या करना होगा आपको कि जाके आपको मिलेगा और कहां से आपको अप्लाई करना है, उस सब आपको डिटेल दूंगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को बिल्कुल क्लिक ना करें और स्टेप बाय स्टेप देखिए, मैं आपको 100% प्रूफ से बताऊंगा कि दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपके पास दोस्तों आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के ऊपर जो मोबाइल नंबर होता है दोस्तों, मोबाइल नंबर आधार कार्ड के अंदर जो मोबाइल नंबर होता है दोस्तों, प्रोफाइल टाइप जो मोबाइल नंबर होता है वो मोबाइल आपके पास होना चाहिए दोस्तों। ये फर्स्ट हुआ, अगर नहीं है तो दोस्तों अपने जो नजदीकी आधार कार्ड सेंटर में जाइए, वहां से दोस्तों अपडेट करवा लीजिए इसको, क्योंकि दोस्तों ये बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों जैसे अप्लाई करेंगे इस पे ओपीडी जाएगा इस मोबाइल नंबर पे, बिना ओपीडी का नहीं हो पाएगा दोस्तों, ये पहली बात। और दूसरी बात दोस्तों है कि आधार कार्ड के अलावा आपके पास जहां का आधार कार्ड है आपका वहां का दोस्तों, नहीं तो आपके जहां लोकल एड्रेस है आधार कार्ड का, आपका गांव का आधार कार्ड है लेकिन आप रहते कहीं और है, वहाँ का लोकल एड्रेस है कोई आपका, तो प्रॉपर्ली वो चाहिए। नहीं दोस्तों आपके गांव का वोटर आईडी है वो भी चाहिए। तो दोस्तों गैस का बिल या फिर बिजली का बिल या फिर अपने मोबाइल का बिल या फिर आपका वोटर आईडी होना चाहिए, इन चारों में से आपके पास एक कोई होना चाहिए आधार कार्ड सिवा दूसरा, तब जाके ये अप्लाई कर पाएंगे। अब बता दूं दोस्तों इसको अप्लाई कहाँ से करना है सिंपली, तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने सिंपली। दोस्तों हमें सबसे पहले आना है दोस्तों होम कार्ड का होम पेज पे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप आ सकते हैं डायरेक्ट इस पे। तो सिंपली दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे में दोस्तों देखते हैं मिनी लोन, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों प्रॉपर्ली दूसरा मेरा स्टेप खुलेगा, तो यहाँ देखते हैं पूरे 10,000 का लोन दे रहा है हमें, ना कोई डॉक्यूमेंट्स लाने ना कोई यहाँ पे मीटिंग, और प्रॉपर्ली यहाँ पे हमें 10,000 का लोन मिल जाएगा सिंपली ये अप्लाई करने के बाद। चलिए शुरू करते हैं, यहाँ से अप्लाई करते हैं, यहाँ से मैं अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद मेरा दूसरा जो ऑप्शन होगा खुलेगा मेरा, यहाँ से सबसे वेट कर लेते हैं। ये मेरा दूसरा साइड खुल रहा है, तो दोस्तों देख सकते हैं ये दूसरा मेरा खुल गया पेज, तो इस पर हमें क्लिक करना है, अप्लाई का ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने एक और मेरा पेज खुलेगा, इस पर लिखा हुआ दोस्तों देख सकते हैं 0 डॉक्यूमेंट्स देना है और 0 और ना कोई साइन वन करना है, आपको 100% ऑनलाइन 7 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। दोस्तों आपको 7 स्टेप फॉलो क्या करना है मैं बताऊँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं पूरे 10,000 का आपको लोन मिलेगा, 10 मिनट के अंदर आपको 7 स्टेप फॉलो करना है सिंपली। दोस्तों यहाँ से अप्लाई करेंगे इसे तो प्रॉपर्ली एक पेज और हमारा दूसरा खुल जाएगा। खुलने में दोस्तों देख सकते हैं 10 मिनट लिखा हुआ है, 7 स्टेप 0 फॉर्म, तो प्रॉपर्ली यहाँ पे देखते हैं न्यू अप्लाई है, इस पर हमें क्लिक करना है, न्यू अप्लाई पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों प्रॉपर्ली यहाँ पे आपका नाम जो आपके आधार कार्ड पे नाम है वो नाम आपको इस पर डालना है और ईमेल एड्रेस डालना है और आपको मोबाइल नंबर डालना है। तो दोस्तों दोनों जैसे डालेंगे उस पर दोनों पर आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ओपीडी जाएगा, दोनों इस पर फिल करना है दोस्तों। ये फिर दोनों चीज़ डालने के बाद दोस्तों प्रॉपर्ली आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद दोस्तों जो 7 स्टेप आप उसको फॉलो कीजिए, उसके बाद दोस्तों ये अप्लाई हो जाएगा और 24 घंटे के अंदर आपके पास लोन आपके बैंक में आ जाएगा। दोस्तों जो भी हो आपका बैकग्राउंड सब अच्छे से डाल दें इसमें और प्रॉपर्ली आपके पास आ जाएगा। तो मैं आपका प्रूफ के साथ बता दूँ कि यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मैंने भी अप्लाई किया था, तो मेरे 9500 रुपये आए थे कट के, 10,000 नहीं आए थे, 9500 रुपये कट के आए थे होम क्रेडिट से। दोस्तों देखते हैं अगले महीने आए थे इतनी तारीख को, यहाँ पर तारीख भी लिखा हुआ अगले महीने आए थे ये पैसे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद में क्या करना है। तो जब आपका लोन आ जाए तो उसके बाद आपको हर महीने किस्त भरने का टेंशन रहेगा, तो दोस्तों ये टेंशन में लाने, क्योंकि दोस्तों होम क्रेडिट ने बहुत अच्छा खासा एक ऐप लॉन्च किया है दोस्तों, ये होम क्रेडिट का ऐप है दोस्तों, इससे आप ईएमआई किस्त भर सकते हैं। इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो होम क्रेडिट वाले खुद आपको लिंक भेजेंगे आपके पास। तो इसको ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद दोस्तों इस तरह का दोस्तों आपको आईडी मिलेगा, इस आईडी को इस ऐप में डाल लॉगिन कीजिए और ओपीडी आपके फ़ोन में जिस नंबर से आपने लोन लिया उस फोन में आपका ओपीडी जाएगा, उसके बाद दोस्तों प्रॉपर्ली लॉगिन हो जाएगा। और दोस्तों देख सकते हैं ये मेरा एक्टिवेट है लोन, और प्रॉपर्ली मैंने एक किस्त मैंने प्रे कर दिया है और मुझे अगले महीने किस्त मैंने प्रे करना है, एक किस्त मैंने प्रे कर दिया है दोस्तों, देखते हैं रेड कलर का है ये पहुँच जाएगा पूरा, तो मेरा फुल हो जाएगा सिंपली, मैंने एक किस्त मैंने प्रे कर दिया तो यहाँ तक आ गया, तो अब मुझे अगले महीने प्रे करना है, दो और किस्त प्रे कर दूंगा तो मैं नेक्स्ट और एक लोन ले सकता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और कोई